राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हाल चाल ठीक बना सब कर? आज हम करने वाले हैं छोटी सी पार्टी, सिर्फ छोटी सी पार्टी, ज़्यादा बड़ा पार्टी नहीं है, छोटा सा है। मतलब बहुत दिन से मन था तो हमने सोचा कि आज कर लें। टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी सिन्नी मतलब कि आधे घंटे पास जाएंगे स्कूल, अभी अपने काम में लगी हैं। तब से हम चलते हैं, सामान लेके आते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर। जितने का हमको सामान चाहिए बस उतना ही पैसा मेरे पास है, न कम न ज़्यादा। हम सोचते थे ज़्यादा होगा बट नहीं, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मेरा पर्स है, ज़्यादा हो सकता है वाला। झोला लेने तो भूल गया, मतलब साथ में ही आज मतलब याद आ गया कि मैगी तो 7 का हो गया है, पहले तो 5 का था, और भी पैसे लेने पड़ेंगे हमको। पैसे ले लिए, झूले भी ले लिए, अब चलते हैं, निकलते हैं, चलिए। दुकान पे देखिए लिखा हुआ है दाम मैगी का, अब चलते हैं घर, सामान ले लिए हैं। बाकी सब तो घर पे है, टमाटर भी घर पे है और प्याज भी घर पे है, बस वही लेना था। आ गए घर सही टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल घर आए हैं। मतलब सिन्नी को भी जाना है इसको कोचिंग। कैसे इनका सीट फट गया, तभी सोचे कि कैसा हिल रहा है। मतलब जल्दी आ ना, खत्म हो जाए। तो भेज दिए हैं स्पेशल प्लेट लाने के लिए। स्पेशल प्लेट अगर आप देखेंगे ना तो बोलेंगे कहाँ प्लेट है, बढ़िया वाला प्लेट है। अपना किचन का काम खत्म कर लेते हैं, जो भी है वो नीचे ऊपर रखा हुआ सब सेटअप बना लेते हैं एकदम अच्छे से। और हमारी मम्मी जी जो है अभी मशीन में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं अपना। करते हैं अपना कार्यक्रम। अभी सिन्नी नहीं आई है, अभी सिन्नी आएंगी, 6 बज गया है। 3 टमाटर है शायद, हाँ 3 टमाटर है, इतना मिर्चा, 3 टमाटर, और ये रहा मेरा प्याज। फटाफट सब कट कर लेते हैं। आपको पता है मैगी कब से खाने का मन कर रहा है? जब गए थे 80 घाट हम, तो वहाँ पे गए थे, मतलब वहाँ पे सब मैगी लगा के बेच रहे थे, तो हमारे यहाँ मिलता है 5 रुपये, तो हमको लगा हो सकता है यहाँ पे देंगे 10 का, लेकिन जब पूछे ना तो पता चला भैया 50 रुपया प्लेट। उतने में तो पूरा फैमिली खा ली हमारा, 50 रुपया प्लेट, मतलब सोचने वाली बात है, 50 रुपये। तो हम भी क्या के धीरे से बगलिया के अपना निकल गया, बोले कोई नहीं चलो घर पे बना के खा लेंगे, सही बात की नहीं? सिन्नी आ गई, दीदी के घाव लग गया, गोड़ी लात चली वही से लग गया, ऐसे बर्तन रखा वाले थे जिसमें लगा था उसी में लग गया। मतलब ये हमारा सामग्री रेडी हो चुका है, सामग्री होगा और हमने तेल भी डाल लिया है। ये हमारे डैडी भी आ गए हैं, मतलब अब सही है, मतलब सब लोग आ गए, बस बनाना है और खाना है। किसका बर्थडे है? दीदी का। हमारा बर्थडे भी नहीं है, सिन्नी हमको कुछ देने वाली है। तो सिन्नी ये बताया कि ये के लिए के कारण ले ले देखो, बोलो मत ना कि आ मिट्टी आना ले। 2 रुपये मिला है हमको, बड्डे बड्डे आए ना गिफ्ट देनी हमको एडवांस में। तो इसमें डाल लेंगे मिर्चा, अब डालेंगे इसमें प्याज। एक दिन सिन्नी के हाथ से मैगी खाना चाहते हैं, सिन्नी बनाओगे हमारे लिए? हमको दो तरह से मैगी बनाने आता है दीदी, कौन वाला मैगी जो तू बना याद है? दो तरह से वाला। कौन कौन? एक की कटोरी वाला, की चिड़िया वाला। कटोरी वाला किसने बोला? तो पता है कौन सा मैगी होता है इनका, बस पानी डाल देंगे, मैगी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हो गया, मसाला डालकर हो गया। इसका नाम कटोरी वाला मैगी है, आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आपको खाने का मन हो तो इनसे बनवा लीजिएगा कटोरी वाला मैगी। दूसरा वाला कढ़ाई वाला, और पहला मतलब 5 मिनट में बन जाएगा कटोरी वाला, और 10 मिनट में कढ़ाई वाला। जल्दी 5 मिनट में बनाइए और देरी से खाना, लेट से तो 10 मिनट में। प्याज हमारा रेडी हो चुका है, अब डालेंगे टमाटर। आचो में फटाफट इसमें का मसाला निकाल लेंगे, सिन्नी गई है कुछ काम करने के लिए, तो निकाल के दिखाते हैं आपको।
मसाला जी मैगी, तो इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, डाल लेंगे मैगी मसाला पाँचों, मसाला रेडी हो चुका है। अब डालेंगे इसमें पानी, अब डालेंगे मैगी, सुन्नी का, पापा का, ये आप सबका, दीदी का, नमक, अब नमक डाल देंगे इसमें, अब स्वाद अनुसार, नहीं के अनुसार, नहीं स्वाद अनुसार, के लिए इसको छोड़ देंगे स्लो आंच में। चलते हैं अपना वीआईपी प्लेट तैयार करने के लिए जिसमें कि हम खाने वाले हैं। सबसे पहले ही हमारे भाई बहन जो हैं हमसे फरार, उन्होंने आधा काम पहले ही कर दिया है। महुआ के पत्ती में से देखिए सब अच्छा वाला पत्ती निकाल दिए हैं, एकदम क्लीन काम कर दिए, सारी पत्ती कटी पिटी हैं। अब इसको धोएंगे अच्छे से, हैं पत्ती धोने के लिए निक धो, ले लिया है नीम का सीक जो कि इससे ही बनने वाला है। सीख को तोड़ लेंगे साइज का, रेडी हो गया हमारा, अपने लिए बना रही हैं और मम्मी ने अपने लिए बना लिया है, देखिए कैसा बनाई है। ये हमारा है दो हो गया रेडी, ये भाई का सबसे बड़ा बना है देखिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ही देंगे, रेडी हो चुका है। अब चलते हैं छत पे लेके सब कुछ, आप सब बैठेंगे, देखिए तेल ले लिया है तीनों बनाए, सिन्नी लेके जा रही है कपड़ा ऊपर, हम मैगी लेके चलेंगे, रेडी हो गया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। भैया मुँह तक, चार आ गए हैं, अभी लाइटिंग का व्यवस्था करेंगे। ये हमारे छत बसे कुछ ऐसा दिखता है, देखिए आप, हाय। इस टाइम को आप सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, मतलब बल्लभ हमने अटका दिया है टीना के ऊपर, गिरे ना बस। हल्का हल्का सा हवा चल रहा है, एकदम हल्का हल्का ठंडा वाला, एकदम बढ़िया वाला मौसम है। बस अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिससे खाएंगे मैगी, वो पहले स्टिक तैयार कर ले, हमने वीडियो में बहुत देखा है सब डंडे से खाते हैं, तो आज हम भी खाएंगे। नुकीला बन गया है, थोड़ा सा बाकी है, ये दूसरा वाला बन रहा है। दोनों रेडी हो गया, एक बड़ा छोटा है, काट ले इसको ना। हाँ काट दे। मम्मी पापा नीचे खाएंगे, छत पे नहीं आए वो, करते हैं हम सब। लीजिए देखिए, और जहाज भी जा रहा है ऊपर, बड़ा काओ। सुनी हाथ से खाएंगी? नहीं, हम इसे खाएंगे, आप सब खाइए, आप सब खाइए, ट्राई कीजिए कैसा बना है, अच्छा बना है, कैसा बना है बताइए। उठ गया, गजब, एक ही बार भी उड़ गया, हम सोचे नहीं थे। लीजिए खाइए, तुझे कैसा बना लो,
सही बना। डंडा से खा रहा है, मतलब खा रहा है ना, मतलब बढ़िया वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं, हम भी काफ़ी फैंसी लोग हैं जो कि इससे खा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद घर का माहौल सही हुआ है, मतलब नहीं इनका तबीयत खराब, उनका तबीयत खराब, सबका तबीयत खराब, इसलिए आज हमने छोटा सा पार्टी दे दिया सबको, ताकि सब खुश हो जाए, मस्त हो जाए और थोड़ा सा चटकार भी खा ले। सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम बड़ा सुंदर सा है, मतलब छत के ऊपर बैठे हैं, थोड़ा हल्का हल्का सा हवा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, एकदम 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 बढ़िया लग रहा है, हम आपको बता नहीं सकते, बस आप फील कर, मतलब फील कीजिए दीदी, फील कर आवाज से, चेहरे से। दीदी फील कर रही है, आप लोग समझ लीजिए। मम्मी खाना खाते वक्त क्या बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि हमसे पूजा भी कंप्लेन करा क्या हो ना। ये नहीं बोल रही है कि रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई करना है, नहीं कंप्लेन करा क्या हो ना। मम्मी के जोन सुन जाए, जोन बुला वत्र बोल दे रही ना। यहाँ पे अंधेरा है तो मम्मी नहीं दिख रही, मम्मी उधर बैठी हैं, अभी को आई हैं वो छत पे। लव गोराई, अब ठीक है? हाँ ठीक है। सिनी बोल रही हमारा चेहरा काला आ रहा है, तो अब देखो ठीक आ रहा है ना। बढ़िया। आज का ब्लॉग ये खत्म करते हैं, आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम, राम।